सुन रहे हैं सभी स्टीरियोटाइप्स तोड़कर आगे बढ़ने वाली बाइकर सिंगल मदर टीचर नीरू सैनिक विद आरजे सोनाली। कहते हैं कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और वही है हारा जो कभी लड़ा नहीं। जिंदगी ने जितने बड़े तूफान दिए उनसे लड़कर भिड़कर जो आगे बढ़ी आज हमारे साथ स्टूडियोज में है। हाय, मेरा नाम आरजे सोनाली है और ये है माय एफएम का उम्मीद से जुड़ा, उम्मीद पर बना शो पीपल ऑफ होप। आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है नीरू जी। नीरू मैम के बारे में ट्राई सिटी जानता है उन्हें एज अ बाइकर, एज अ साइकिलिस्ट, एज अ टीचर, एज एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कॉन्टेंट क्रिएटर जो बहुत अच्छा डांस करती है। आज उनकी जर्नी के बारे में, उनकी कहानी के बारे में हम माइफम पर जानेंगे, और सबसे पहले मैम का शुक्रिया अदा करेंगे फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सोनाली, इतना प्यारा और इतना सुंदर आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी है, मेरे लिए बोलने का कुछ छोड़ा ही नहीं है। थैंक यू। जब से छोटी होती है ना लड़की कोई भी, तो उसके माँ बाप और वो खुद अपने शादी के सपने बुनना शुरू कर देते हैं। किस उम्र में आपकी शादी हुई? मेरी शादी 20 की एज में हुई थी, क्वाइट अर्ली आई विल से। अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 32 माई हस्बैंड लेफ्ट मी, ही वॉज नो मोर बिकॉज ही हैड ब्लड कैंसर, उनको ब्लड कैंसर हो गया था और 4 साल उन्होंने सर्वाइव किया था। तो 32 की एज में आई वॉज सिंगल मदर विद 2 डॉटर्स। जो सपने थे ऑफ कोर्स मैंने 8 साल तक तो बहुत भरपूर अपनी शादीशुदा जिंदगी को जिया और बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से जिया। मेरी बहुत ही स्वीट मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी। एंड आई विल से मेरे हस्बैंड के लिए मैं कहना चाहूंगी कि उनके जैसा पर्सन मैंने दुनिया में देखा भी नहीं। मैं थोड़ी सी जितनी बबली, जितनी एक्टिव, जितनी थोड़ी एग्रेसिव भी हूँ, बोल्ड भी हूँ, वो उतने शांत और ठंडे जिसे कहते हैं ना, शांत स्वभाव के थे। एंड ही वाज जेम ऑफ अ पर्सन। एट द एज ऑफ 32 माय हस्बैंड लेफ्ट मी, ही वाज नो मोर। यू वर 28 जब डिटेक्ट किया कि उन्हें कैंसर हो गया है, उस समय कितनी अवेयरनेस थी इसको लेकर समाज में? मेडिकल साइंस की मैं अगर बात करूं, ये कौन सा साल है? इट वाज 1998 का एंड था और 4 साल डॉक्टर्स ने दिए इनको विद अ मींस, उन्होंने बोला था कि ग्लिवेक मेडिसिन आई थी। अच्छा। जो हम इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम अमेरिका, 1,30,000 पर मंथ। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर 4 इयर्स। 4 इयर्स तो नहीं किए, इन्होंने डेवलप कर लिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, लाइक बॉडी। डबल डोज भी किया डॉक्टर्स ने, लेकिन वो जब बॉडी नहीं झेल पाती, लाइक रेजिस्टेंस हो जाता है, तो फिर वो बंद करनी पड़ी थी। लेकिन काफी टाइम तक वो मेडिसिन ने बिल्कुल एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह से दिया था। इनकी एग्जैक्टली था CML, क्रॉनिक माइलॉइड लिकेमिया। तो उसमें 4 इयर्स डॉक्टर्स ने पहले ही बताए थे, तो वो 4 इयर्स ही कुड सर्वाइव। हाउ वर दोस 4 इयर्स फॉर यू एज अ वाइफ, एज अ मदर ऑफ 2 किड्स? वो 4 साल में ज्यादा पेनफुल थी मेरी लाइफ, बिकॉज जिसको आप बहन या प्यार करो और वो आपके सामने, आपको पता हो और उसको भी पता हो कि वो जाने वाला है, उन्होंने अपनी बीमारी में मेरे लिए घर बनाया। एंड इफ यू विल कम टू माय हाउस, या आपने रील्स में भी देखा होगा, लोग बहुत कमेंट करते हैं आपका घर बहुत सुंदर है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जिसको मालूम है मैं जाने वाला हूँ, और जिसको अपनी वाइफ की कुछ पीछे से मालूम भी नहीं है, मैं हाउसवाइफ थी तब तो और बहुत छोटी थी, तो इट इज लाइक मेरे लिए वो ताजमहल बना के गए, इतना बेइंतहा प्यार। और मुझसे उन्होंने बोला भी यही कि नीरू इसमें रहना। तो उनको डर लगता था कि मेरी डेथ के बाद में मेरे पेरेंट्स मुझे जैसे अपने पठानकोट शहर में ले जाएंगे या मेरी रीमैरिज कर देंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने फिर उनको दिलासा दी थी कि जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर आएंगे लुक आफ्टर करने बच्चे, लेकिन हम इनको यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। मेरे मदर तो चाहते थे कि पठानकोट में हम शिफ्ट हों, क्योंकि उनके घर के पास रहेगा, उनको इजी रहेगा, बिकॉज हमारा बहुत होल्ड है। मेरे 2 चाचा जी वहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो लाइक हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी नो माई फैमिली। बट ही वॉन्टेड टू गिव एजुकेशन टू हिज डॉटर्स इन चंडीगढ़। मुझे बेसिकली मुझे बेटियां मेरी एजुकेटेड चाहिए। दिस वॉज द लास्ट थिंग, लास्ट डे से उन्होंने मुझसे बिल्कुल ऐसे ना जैसे अंजलि करके, दिस ओनली वॉज हिज डिमांड।
बेटियां अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि इन दोनों की वजह से मुझे जीना पड़ेगा। एट द एज ऑफ 32 माई हस्बैंड वॉज नो मोर। फिर उसमें आपने खुद को कैसे समेटा और बच्चियों पे कैसे आपने फोकस करना शुरू किया? ऑफ कोर्स उस वक्त तो आप यही कहोगे कि मैं थोड़ी देर के लिए माइंड से इतनी अपसेट थी, रोई नहीं थी उनकी डेथ के बाद में, शॉक के अंदर जैसे कह लो कि चली गई थी। तो कुछ मंथ्स लगे थे जब मैं उसके बाद से जब मैं रोती थी और मुझे मेरी बेटियां अच्छी नहीं लगती थी। एक 4 साल की थी, एक 10 साल की थी और मुझे लगता था कि इन दोनों की वजह से मुझे जीना पड़ेगा। मैं नहीं जीना चाहती उनके बिना, तो मुझे सारी दुनिया नहीं चाहिए थी, सिर्फ वो चाहिए था। और अब इनके लिए मुझे जीना पड़ेगा, तो मैं उनको बेटियों को पसंद नहीं करती थी। मुझे 1 साल लगा और जब मुझे मेरी बेटियों में प्रदीप नजर आने लगा, हमारी बेटियां। एज अ सिंगल मदर इतने साल आपने अभी देख ली है दुनिया, खुद अकेले किया है सब। हमें क्या होता है, घर में एक बल्ब भी ठीक करना होता है या गैस सिलेंडर भी इधर उधर करना होता है, तो मुझसे नहीं होगा, मुझे हेल्प चाहिए। कौन से छोटे छोटे चैलेंजेस थे जो आपने एज अ सिंगल मदर फेस किए और तब आपको बड़े लगते थे, अब एंड यू लुक बैक यू बोले करी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। याद करूं तो सबसे पहले फ्रिज लेने गई थी तो बहुत डर लगा, इतनी बड़ी चीज मैं कैसे ले सकती हूँ। तो मतलब कि वो जो फर्स्ट घर से बाहर जाके खुद अपने आप एक चीज लेनी, मैं समझ सकती हूँ लेडीज जो नहीं दायरे से बाहर निकलती, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करी कि नहीं हम लेंगे जाएंगे। पहले सोचा किसको बुलाऊं, ब्रदर को बुलाऊं, उनको बुलाऊं, सभी दूसरे शहरों में रहते हैं, एक प्रॉब्लम। एक दो बार बुलाया भी मैंने, फिर मैंने टोटल देखा कि सबको मैं तंग करती हूँ बहुत। वो छुट्टी लेके आते हैं और उसके बाद में शायद मैं इंडिपेंडेंट माइंड की शुरू से थी या क्या था या बोल्डनेस, पता नहीं भगवान ने कहीं से अंदर में दे रखी थी। बिकॉज आई यूज टू डू दैट कैलकुलेशन 2+2=4 की इनको इतना परेशान किया, काम तो ये इतना बड़ा नहीं था, तुझे थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए थी तो तू अपने आप कर लेगी। ऐसे एक दो बार हुआ। मेरे फादर काफी ओल्ड, उनको लेके जा रही हूँ कचहरी का काम करने, एंड उनको लेके जाने में काफी तकलीफ होती थी बिकॉज उनको बाईपास सर्जरी हुआ था एंड वो बहुत परेशान हो जाते थे। देन आई रियलाइज्ड कि उनको परेशान करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तू अपनी हिम्मत खुद जुटा। एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपने करियर की शुरुआत फिर कैसे करी? ओके, प्रदीप के बाद में मैं हाउसवाइफ थी, तो आई स्टार्टेड विद माय ट्यूशंस। तो मेरे को मॉर्निंग में पहले अपना पढ़ना होता था। 12 साल तक आप ज्वाइंट फैमिली में रह के आ रहे हो, रोटी पानी बर्तन सफाई कब पड़े आपको पूरे मेहमानों के बीच में, तो ये सब तो भूल जाता है, साइंस क्या चीज है यू डोंट नो। ठीक है, 12 साल बाद आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। तो पहले खुद पढ़ा सारा अपना सुबह उठ के, फिर उसके बाद में अपनी बेटियों को पढ़ाती थी, फिर शाम को अपनी ट्यूशन पढ़ाती थी। तो स्लोली स्लोली आई गॉट होल्ड ऑफ टिल 10th कि अब मेरे को काफी अच्छा, और रिस्पांस भगवान की दया से मेरे 5 महीने में इतने पैसे आने लग गए थे कि भी मैं अपना घर का रोटी पानी निकाल रही थी। तो आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड साइंस टीचर। साइंस और मैथ्स मैं बोर्ड की क्लासेस लेती थी, तो बच्चे बहुत खुश थे, पेरेंट्स बहुत खुश थे। 15 साल मैं माँ थी और मैं टीचर थी, लेकिन नीरू नहीं थी। आपने एक बात बोली इसकी, मैं या तो टीचर थी या आई वाज अ मदर, मुझे नीरू का पता नहीं था वो कहाँ है, तो नीरू से आपकी मुलाकात फिर कब हुई? तो ये मेरी बेटियाँ 2016 में दोनों घर से चली गई, मींस अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। तो मैं अकेली बिल्कुल होगी, एक सिंगल मदर ने 4 गुना काम करके अपने आप को सुपर बिजी रखा हुआ था। सो मेरे ख्याल से तो जो बिजी पर्सन ना हैप्पी पर्सन होता है। आप शादी करते हो, बच्चे करते हो, वो आपका एक जिंदगी जीने का जरिया है। ये मुझे समझ लगी बच्चों के जाने के बाद। आई वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। 7 महीने में 17 किलो लूज, मींस बहुत स्किनी थी, खाया जाता ही नहीं था, बैठे बैठे रो नहीं रहे हो लेकिन आंसू रुकते नहीं है। अदरवाइज आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तब मेरे से बोला नहीं जाता। आप इमेजिन कर सकते हैं 10th क्लास की लड़की क्लास में खड़ी होके मुझे कह रही है कि मैम आप प्लीज डांट लिया करो, लेकिन हम आपका ऐसा रूप नहीं देख सकते। समझ नहीं आता मेरी भगवान ने 45 की एज में मेरे सारे काम खत्म कर दिए क्या? मेरे को मतलब कि इतना ही जीना था, मतलब कि लेडी किसी से भी अगर आप हाउसवाइफ से पूछ लो तो उसकी जिंदगी में उसका हस्बैंड है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, दैट्स इट। और उसके अलावा एक तुम खुद कोई चीज हो, छानो ढूंढो अंदर में तुम क्या हो। फिर जब मैंने वो स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो मेरे चाचा जी ने मुझे मेडिटेशन सेंटर, विपाश्ना सेंटर है, उधर भेजा 10 दिन के लिए 12 घंटे अ डे आपको मेडिटेशन करनी है, का मतलब आपको आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करना किसी से, नमस्ते भी नहीं करनी है। तो मेरी अभी भी वही रूटीन है, मैं 3 बजे उठती हूँ, देन आई सिट फॉर माई मेडिटेशन, अपना पाठ कर लेती हूँ, जोत जगा लेती हूँ,
फिर उसके बाद में मैं बिल्कुल फ्री होकर दिन में अपना बाहर निकल जाती हूँ, अपने घर से बाहर साइकिलिंग के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए वापिस आ जाती हूँ, फिर योगा करती हूँ। मुझे 7 बजे 7:30 तक स्कूल निकलना है। तो ये जो मेरा है मी टाइम मेरे लिए बहुत खूबसूरत और सुंदर, मेरे को इतनी रास्ता देता है, स्ट्रेंथ देता है। आपने साइकिलिंग भी की, आप बाइकिंग भी करते हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी जगहों के बारे में बताओ जो आपने भी एक्सप्लोर किया और अपनी बकेट लिस्ट को टिक ऑफ किया है। ओके, तो डिप्रेशन के बाद में जब मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन के अलावा, दैट मैंने अपनी मेरी बेटियों ने कहा कि मामा आप स्पोर्ट्स पर्सन थे नेशनल लेवल के बचपन में, तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन रनिंग एंड साइकिलिंग ग्रुप्स। अच्छा, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये ग्रुप्स होते हैं। तो मेरी बेटियां, उस बड़ी बेटी साइकिलिंग करती है तो बैंगलोर में थी, वहां पर बैंगलोर में साइकिलिंग करने जाती थी, कहती आप चंडीगढ़ में होंगे जरूर ग्रुप, उन्होंने मुझे उसमें ज्वाइन करवाया। सो आई स्टार्टेड गोइंग टू फर्स्ट सुखना लेक, वहां देखा सच में ये तो बूढ़े लोग और दूसरे लोग और सब दौड़ते हैं। अच्छा, दौड़ सकती हूँ मैं इस एज में? मेरे को सपने आया करते थे, क्योंकि मैं बास्केटबॉल की नेशनल लेवल की प्लेयर थी, तो कभी मैं सपने में बास्केट डाल रही हूँ, क्या मैं सच में कर पाऊंगी? तो मैंने अकेले छुप छुप के थोड़ा सा कभी कभी दौड़ना शुरू किया पार्क में सामने, और जो साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया, जो रनिंग ग्रुप ज्वाइन किया, उन्होंने तो फिर एकदम से जब वो जील शुरू होती गई, साथ में अपने रास्ते निकलते गए, कब मैं उन ग्रुप्स में एज अ एडमिन बन गई, मतलब कि प्यार इतना मिला। कहाँ कहाँ गए फिर आप साइकिल? मैं साइकिल से यहाँ से मैं शिमला जा चुकी हूँ, वो मेरी सोलो राइड थी, और वैसे ग्रुप्स में भी हम जाते रहे हैं, ये टिम्बर ट्रेल जो है कसौली जाते रहे हैं, और मैं अकेले कसौली भी, टिक्करताल, टिक्करताल से नीचे वापस ऊपर। एट व्हाट एज एग्जैक्टली? मैं 16 में 46 थी, तो 46 की एज से ये सब मैंने स्टार्ट किया, और आप तो यूं कहो 52 तक मैं साइकिलिंग रनिंग प्रॉपर पूरे धमाल से। और ये है कि भी मैं ग्रुप में ना ज्यादा पसंद इसलिए नहीं करती थी कि ग्रुप में बहुत रुकते बहुत है, तो वो फोटोज बहुत खींचते हैं, तो जगह जगह रुक जाओ जगह जगह। मेरे को अकेले में मैंने देखा कि मुझे मजा आने लग गया है, पता नहीं कब डर लगना बंद हो गया। करते करते मैंने 50 की एज में एक और अपने सपने को अंजाम दिया, दैट वाज लाइक कि भी मैं, मेरे सन इन लॉ वो बाइकर हैं, एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भी मेरे को एक राइड करवा दो अपने साथ, तो ही सेड कि मम्मा आप अपना क्यों नहीं लेते, इतना मन करता है। मैंने कहा इस बुढ़ापे में मैं बाइक लूंगी, चला भी पाऊंगी, कैसी बातें कर रहा हूँ? कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खरीदो अपना और वेस्ट होगा होने दो, बट आप अपना सपना पूरा करो। सो दैट्स हाउ मेरे बच्चों ने मुझे पुश किया, एंड आई कुड बाय, आई लव माय बाइक, और वो दिवाली 2020 पर लॉन्च हुआ था, एंड दे कॉल मी रॉयल एनफील्ड वाले, मैम आपकी बाइक आई है, एंड आई सिट देयर, और वो बिल्कुल मेरे पैर लग गए, इट वाज माय बाइक ओनली। तो मैंने खरीद ली और एक महीने बाद चलानी सीख ली, और उसके 6 महीने में मैंने मनाली सोलो ट्रिप मार लिया, क्योंकि मैं तब ट्रैकिंग के लिए जा रही थी, तो अप डाउन मैंने अपने बाइक से किया, और सामान लाद के रख के पहाड़ों में, लाइक वो जो मुझे सोचने में 15 दिन लगे थे अपना माइंड मेकअप करने, और जब मैं चला रही थी इट वाज लाइक कि मेरा जैसे सपना पूरा हो रहा है। आपने लॉन्गेस्ट कितना लंबा सफर किया है, मतलब बाइक पर, बाइक चलाते हुए? उसके बाद में अक्टूबर में मैंने सोलो राइड कर ली कश्मीर की, जिसमें सोनमर्ग, गुल, पहलगाम, अरू वैली, चंदनवाड़ी, ये सब मैं होके आई थी बर्फों में। जनाब, मतलब कि वो दूसरी दुनिया, सोलो राइड थी। फिर दिसंबर में मैंने राजस्थान किया था, यहाँ से जयपुर से, जैसलमेर से, जोधपुर एंड देन उदयपुर। सो उदयपुर से पंचकुला वन डे राइड 900 किलोमीटर की, दैट इज माई लॉन्गेस्ट राइड। सेकेंड लॉन्गेस्ट इज मेरी पंजाब परिक्रमा। इस पूरे लंबे सफर में आपने कब ऐसा समय देखा जब आपको, आप बड़े होपफुल लगते हो मुझे जब बात करते हैं आप, जब आपने नाउमीदी फेस की हो? नाउमीदी सच्ची तो एक तो मेरी उस दिन थी जब मेरे हस्बैंड अभी पीजीआई में है, डॉक्टर्स ने एग्जैक्टली बताया नहीं मुझे कि वो जाने वाले हैं, बट मैं हमेशा ना हाथ में 40 पर्चियां पकड़ के रखती थी, वो ना आपको ब्लड की पर्चियां होती हैं, अगर आप उनको दोगे पर्ची तो वो फिर उसके बदले में देंगे, तो वो पर्ची आपको कैसे मिलती है, आपके नोन वंस आपको ब्लड डोनेट करके जाके एक स्लिप होती है आपके हाथ में दे देते हैं, तो मैं 40 से नीचे नहीं होने देती थी, कि मैं इनको जान खा मारती थी, कभी अपने कजन्स को, कभी अपने चाचा जी को, कभी किसी को, कभी फ्रेंड्स को, कभी किसी को भी बोल के भी प्लीज डोनेट करके जाओ, डोनेट करके जाओ, मुझे स्लिप्स चाहिए, मैं प्रदीप को मरने नहीं दूंगी, जैसे कि मैं पकड़ के बैठी हुई थी। तो
एंड वंस मुझे प्रदीप ने ना मेरे को ये बोला था कि तू बहुत सेल्फिश है, मेरे इतनी दर्दें होती हैं तुझे दिखाई नहीं देती, मुझे जाने दे, तू पकड़ के बैठी हुई है मुझे। मैं वो नाउमीदी थी मेरी, मैं ब्लड लेके दौड़ती हुई दिसंबर की सर्दियाँ 2002 एंड मैंने उनका ना ब्लड फ्रोजन होता तो मैं अपने पेट में लगाती थी फटाफट ताकि इनको बॉडी टेम्परेचर पे ला सकूं। तो सर्दी में भी मैं उनको इस तरीके से गर्म कर रही हूँ उन बॉडीज को। और लंबे कॉरिडोर्स, रात को आप जाओगे वो कॉरिडोर्स बड़े लंबे लगते हैं, तो उसमें दहाड़े मार मार के मैं रो रही, मुझे किसी की परवाह नहीं है कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं है, बिकॉज मुझे उस वक्त पूरी ना उम्मीदी थी, पूरा दिख रहा था कि प्रदीप के बाद मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा चला गया। You become tougher. यही मैसेज हमें दिया नीरू सैनी जी ने आज, जो हमारे साथ जुड़े ऑन आवर शो पीपल ऑफ होप।